हेलो दोस्तों, ये है इंजीनियर्स फॉर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ई टाइप का बेसिक से, जहाँ तक भी हो पाएगा। हो सकता है पूरा ई टाइप कवर हो जाए एक ही वीडियो में। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से ना ही सब्सक्राइबर ना ही व्यू आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप ई टाइप ऑन कर लोगे तो ये आपको इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, न्यू मॉडल। जब आप न्यू मॉडल पर क्लिक करोगे, अभी सारी चीज़ें आपकी ना ये लॉक है, क्योंकि जब तक कोई मॉडल नहीं होगा तो ये ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने न्यू किया ये। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ई टैप मेनली बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए है। इसमें और कुछ भी डिज़ाइन नहीं हो पाता, केवल बिल्डिंग्स के लिए। बुर्ज खलीफा भी इसी सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन हुई है। अब इसमें एक तरीका है किसी भी बिल्डिंग के 3D मॉडल को बनाने के लिए, उस पहले हमें उसी शेप की एक ग्रिड बनानी होती है। उस ग्रिड को यूज़ करके रेफरेंस लेके हम फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें तीन ऑप्शन आए हैं जब मैंने न्यू मॉडल किया। यूज सेव्ड यूजर डिफॉल्ट सेटिंग, यानी जो डिफॉल्ट सेटिंग है, यूनिट्स हैं, वो ये ले लेगा जो यूएसए की आती है। यूज सेटिंग फ्रॉम ए मॉडल, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक करके दिखाई देता हूँ। इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन के लिए फाइल पूछेगा। पहले से कोई प्रोजेक्ट है तो उसको मांगेगा ये, लेकिन वो प्रोजेक्ट ओपन नहीं होगा, केवल उसकी जो सेटिंग है, यूनिट्स है, कोड है, वो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है, जो आप मैनुअली आप तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें कर सकते हो चेंज। जैसे मैट्रिक SI, इंडियन के हिसाब से हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडियन कोड 456 एंड स्टील कोड 802007। ये रहा ओके, कोड हमने सेलेक्ट कर लिया, यूनिट हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया है। उसके बाद अब देखिए ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, इस विंडो में पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पार्ट की। ठीक है, ये पार्ट है आपका ग्रिड को डिफाइन करना। ठीक है, यानी कि आपका जो बिल्डिंग है उसका जो प्लान होता है वो ये है। ठीक है, प्लान इसमें कौन सी डायरेक्शन होता है, एक्स और वाई, और हाइट जो होती है बिल्डिंग की वो जेड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो एक्स वाई प्लान की बात करें ना, प्लान की ग्रिड, वो हम इससे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम प्लान की ग्रिड इससे डिफाइन करेंगे, स्टोरेज की ग्रिड इससे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट ग्रिड हैं, हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट अभी यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम इसको सीख लेते, फिर डिफॉल्ट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, दोबारा से एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको एक दो बीम बनाने हैं। ठीक है, एक बीम है आपका ये ए, सॉरी बहुत रफली बना रहा हूँ, माउस से बी सी, ये दो बीम है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे सपोर्ट है। अब ये दो बीम बनाने के लिए आपको ग्रिड लाइन बनानी होगी, एक ग्रिड लाइन। और दो ग्रिड लाइन, तभी आप इनके ऊपर बीम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है ना, अगर आपका कोई फ्रेम इस तरह से है तो आपको इसी शेप की एक ग्रिड बनानी होगी। ठीक है, ग्रिड यहाँ से डिफाइन होगी, फिर उसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे बीम कॉलम, जो भी एलिमेंट है वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इसको ही रहने देते हैं, समझने के लिए आसानी होगी। बस आप, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे आपको मैं बता सकूँ कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। ठीक है, ये ले लिए, बस ओके कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाली विंडो में आप मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो देखेंगे, ये आपका प्लान व्यू है और ये 3D व्यू है, और भी विंडो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें चार पाँच छः कितने भी विंडो ऐड कर सकते हैं, उनमें अलग अलग व्यू, टॉप फ्रंट बैक साइड, इस तरह से हम व्यू देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो ग्रिड आई है डिफॉल्ट पहले से, देखिए बीम कॉलम नहीं है, ग्रिड है, इसके ऊपर ड्रॉ करना होगा हमें बीम कॉलम। ठीक है, ये जो आई है मैंने जो स्क्रीन शॉट लिया था उससे मैच कराते हैं इसको, क्या मतलब है इसका। ओके, इसको थोड़ा सा ठीक है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोरेज कितना है, चार, तो काउंट करें इसमें, देखिए एक दो तीन चार, ये यहाँ से काउंट कर लो, एक बीम, दो बीम, तीन बीम, तीन कॉलम, चार कॉलम।
है ना, ए दो तीन चार स्टोर है, इसलिए यहाँ पे चार लिखा हुआ है। तीन जितना स्टोरी आपको बनाना है वहाँ टाइप कर देना। टिपिकल स्टोरी हाइट, इन सभी स्टोरी हाइट की जो है टिपिकल हाइट है वो 3 मीटर है, बॉटम स्टोरी की हाइट भी 3 मीटर है। ये तो इसके हिसाब से हो गया, ठीक है। अब ये जो इधर वाला पैनल है इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स की ये डायरेक्शन है ना। नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन एक्स डायरेक्शन 1, 2, 3 और एक आगे है 4, ठीक है 4। नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन वाई डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। स्पेसिंग इन एक्स 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, ये दी। इसी तरह स्पेसिंग इन वाई 8 मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। इसी तरह से हमारे प्लान और उसको प्लान को फिर ट्रांसलेट किया हुआ है 3D में, वर्टिकल हाइट में, जेड डायरेक्शन में, नंबर ऑफ स्टोरेज यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इस तरह से हम कोई भी कॉलम या बीम हम डिफाइन करते हैं ई टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए आपको उसी की तरह की एक ग्रिड डिफाइन करनी होगी, ठीक है। अगर मान लो आपको सिंपल एक बीम बनाना है तो इसमें एक ग्रिड डिफाइन नहीं होती, चार ग्रिड डिफाइन होती है, उसमें से आप चूज एक ही करना। मान लो ये मेरे ने इतनी सारी ग्रिड डिफाइन कर ली, इतने सारे बीम, नंबर ऑफ स्टार, पर मुझे बनाना एक ही बीम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर एक बीम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, सपोर्ट लाऊंगा, इसी को एनालाइज करके रिजल्ट ले लूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं और सब चीज की। इसको हाइड भी कर सकते हो, मत करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हल्की सी ट्रांसपेरेंट टाइप की एक ग्रिड है बस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, है ना। ऐसा नहीं है एक बीम है तो आप कोशिश कर रहे हो एक बीम के लिए ग्रिड बनाने की, तो आपको जल्दी से फटाफट काम करना है ना। अगर दो तीन बीम है तो स्पेसिंग डालो और तुरंत ओके करो, और बड़ी सी ग्रिड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस वो स्पेसिंग मिलनी चाहिए। जैसे अगर 4 मीटर का बीम बनाना है तो 8 मीटर का, तो 8 मीटर की स्पेसिंग मुझे कहीं भी मिल जाएगी, मैं कहीं भी बीम ड्रॉ कर सकता हूँ। बट मेरे को 5 मीटर का बीम बनाना हो तो नहीं बनेगा इस ग्रिड में, क्योंकि यहाँ सारी स्पेसिंग 8 8 मीटर की है, ठीक है। और ये ग्रिड की आईडी है, इस डायरेक्शन 1, 2, 3, 4 और आगे बनाते तो ए बी सी डी, इस तरह से ग्रिड की आईडी है, ठीक है। इनको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है मटेरियल, तो डिफाइन में जाके मटेरियल डिफाइन करना होता है। यहाँ पे पहले से कुछ चार मटेरियल हैं, अजीबो गरीब नाम है इनके, तो आप क्या करो, एड न्यू मटेरियल कर लो, इंडियन कंक्रीट M30, ओके। और ये M30 है, फिर M30 की वैल्यूज हैं, ये M30 की वैल्यूज हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो। देखिए इसमें कितना एडवांस नॉन लीनियर डाटा भी दिया हुआ है, मटेरियल टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मटेरियल डैम्पिंग, लेकिन अभी इन चीजों को आपको समझना नहीं है, ठीक है, वरना आप कुछ नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो मैं इसकी पूरी सीरीज निकालूंगा जिसमें एक एक चीज नॉन लीनियर, मतलब कि मैं आपको गारंटी देता हूं अगर व्यू आए, लाइक आए, सब्सक्राइब आए, तो मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा, और उस सीरीज से आप ई टैप और स्ट्रक्चर एनालिसिस इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपको आज इजीली जॉब मिल सकती है, ठीक है। और देखिए आप कहोगे कि मैं तो चाहता हूँ लेकिन व्यू नहीं आ रहे, तो आप शेयर तो कर सकते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं बताऊंगा। नॉन लीनियर मटेरियल डाटा, इसको समझाने में मुझे 1 घंटा लगेगा, कई घंटे उसको वीडियो एडिटिंग में लगेंगे, मेहनत लगेंगे, और व्यू आएगा 1, 2, 3, तो फिर मेरे को क्या फायदा है। तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, जब भी तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये M30 की प्रॉपर्टीज आ गई, अभी हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। वैसे मैं बताने को तो मैं हर चीज बताता हूँ कि कलर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, एवरीथिंग, मुझे हर एक चीज का मालूम पता है कि ये क्या है, ये क्या है, क्या ये क्या है, ठीक है। बट अगर व्यू आते हैं, लोगों की डिमांड होती है, तभी मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। ओके कर दिया, लिस्ट में आ गया है M30, ओके कर दिया। मटेरियल डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि पूरा फ्रेम हम जो बनाने वाले कंक्रीट का बनाने वाले हैं। अब सेक्शन, कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ सेक्शन डिफाइन, सेक्शन फ्रेम। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्रेम और आ रहे हैं, हम सबको छोड़ के एक नया बना लेते हैं, ऐड न्यू प्रॉपर्टी। देखो कितने तरह के फ्रेम्स आप बना सकते हैं ये टैब में, कंपोजिट भी बना सकते हो। तो रेक्टेंगल पे क्लिक किया हमने, और रेक्टेंगल में यहाँ पे डाल दिया कॉलम, टाइटल कॉलम डाल दिया, मटेरियल M30, और यहाँ पे कॉलम का साइज जो डिफॉल्ट है वो ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत मेन चीज़ें, एडवांस चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर ये आपको सीखनी है तो प्लीज़ खुद
खुद तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करवाइए। ओके कर दिया, देखिए कॉलम यहाँ आ चुका है। अब एक और प्रॉपर्टी बीम के लिए रेक्टेंगुलर ही ले लेते हैं और टाइटल डालते हैं बीम, और यहाँ पे मटेरियल M30, इसको स्क्वायर कर लेते हैं 600 बाय 600। ओके बीम भी आ गया, कॉलम भी आ गया। सबसे पहले डिफाइन किया है हमने मटेरियल, उसके बाद क्रॉस सेक्शन, और उससे भी पहला स्टेप था हमारा यूनिट IS कोड सेलेक्ट करके ग्रिड को डिफाइन करना। अब ड्रॉ करने का तरीका देखो, मैं बहुत फास्ट वाला तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ना यहाँ पे वन स्टोरे को चेंज करना होगा। वन स्टोरे यानी कि मैं यहाँ पे एक बीम ड्रॉ करूंगा तो एक ही होगा, अगर मैं इसको चेंज करके ऑल स्टोरे कर दूंगा तो नीचे तक सारे बीम ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल स्टोरे, इससे बीम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ पे पहले वो सिलेक्ट करो जो बीम बनाया है आपने, ये रहा वो बीम, ठीक है, और बस ड्रैग कर दो। सेम एज कॉलम पे क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लो कॉलम और ड्रैग कर दो। ठीक है, अब आपको देखना है, यहाँ पे जूम करके देखोगे फ्रेम तो बन चुका है ग्रिड के ऊपर, पर सपोर्ट, ये पिन सपोर्ट डिफॉल्ट लगी हुई आती है, इसको कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ से डाउन की से जाएंगे आप पेस पे, और यहाँ पे वन स्टोरे करेंगे, वरना जितने भी जॉइंट्स हैं सब पे लग जाएगी आपकी फिक्स सपोर्ट, इन सब जॉइंट पे लग जाएगी। यहाँ से जॉइंट सेलेक्ट करेंगे और असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन में फिक्स सपोर्ट, और ये अब देखिए जूम आउट जूम इन करेंगे तो इस फिक्स सपोर्ट लग चुकी है। तो ये 3D 4 स्टोरे की बिल्डिंग बन चुकी है। इसको अगर रेंडर व्यू में आप देखना चाहते हो तो व्यू में जाके इसको आप रेंडर व्यू में देख सकते हो, ये देखिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, एक बताने का तरीका था कि अगर इस वीडियो पे व्यू आते हैं और लोग कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब मेरे बढ़ते हैं, तो मैं इसकी पूरी सीरीज, और यही नहीं सिविल इंजीनियर के कोई भी सॉफ्टवेयर उसकी पूरी एक सीरीज बना सकता हूँ इसी तरह से, बिल्कुल बेसिक से एक एक टूल बताते हुए। ठीक है, ये केवल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस तरह से सिखाऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बड़े बड़े कमांड बता दिए। ठीक है, टेक्निकल भी और नॉन टेक भी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से शेयर करवाओ और फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे लिंक भेजो, तभी इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, व्यू बढ़ेंगे और मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। कभी कभी मेरा मन होता है कि इस चैनल को बंद कर दूँ, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है, व्यू कम है, अर्निंग तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आई तो